वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन 2019-20 के बारे में। तो आपकी जो कट ऑफ डिक्रीज़ की गई थी उसके बाद, जो परसेंटाइल डिक्रीज़ की गई थी उसके बाद की जो कट ऑफ है वो रिलीज़ कर दी गई है, तो उसके बारे में आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी उसकी बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके बारे में टोटल डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या जो कट ऑफ है वो रखी गई है। आप देख सकते हैं कि BDS की जो 10,000 सीटें खाली थी उसमें प्रवेश के लिए घटाई कट ऑफ, तो प्रवेश के लिए जो कट ऑफ घटा दी गई थी उसके बाद जो कट ऑफ रिलीज़ की गई है वो देखते हैं क्या है। देखिए, अभी न्यूज़ आई है, नई दिल्ली की ये न्यूज़ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने देश के सरकारी एवं गैर सरकारी डेंटल संस्थाओं में रिक्त 10,000 BDS सीटों पर दाखिले के लिए आवश्यक कट ऑफ परसेंटाइल में 10% कटौती करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने 6 सितंबर को संयुक्त निर्णय कर नई कट ऑफ से एडमिशन देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब NTA द्वारा नीट 2019 का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो रिजल्ट है वो संशोधित किया जाएगा। अब संशोधित कट ऑफ क्या है वो देख लेते हैं कि नए निर्देशानुसार सामान्य वर्ग में 40, OBC SC एवं ST वर्ग में 30 तथा दिव्यांग में 35% अंकों का कट ऑफ परसेंटाइल घोषित किया गया है। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि संशोधित मेरिट लिस्ट सूची देश के सभी गैर सरकारी और सरकारी डेंटल संस्थाओं की रिक्त BDS सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। वर्ष 2019-20 में BDS की सीटें 26,949 थी, जिसमें से मात्र 16,579 सीटें आवंटित की गई। गत वर्ष 2018-19 में भी 450 BDS सीटें खाली रह गई थी। तो इन खाली सीटों को भरने के लिए ही जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो 10 नंबर कम किया गया है, 10 परसेंटाइल कम किया गया है। अब ये बोला गया है कि कट ऑफ में जो भारी कटौती है वो पहली बार की गई है, इससे पहले इतनी जो 10 परसेंटाइल की जो कटौती है वो पहले नहीं हुई है। तो इसके लिए ये कटौती जो है वो पहले की गई। देश में 572 डेंटल कॉलेज हैं जिनमें ये परसेंटाइल जो है वो की गई है 10,000 सीटों पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि इस वर्ष 5 मई को 16,10,755 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा दी थी, जिसमें से 7,97,042 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया था। अब संशोधित रिजल्ट से 10,000 वंचित विद्यार्थियों को BDS सीटें वंचित हो जाएगी। तो बहुत बड़ा जो है वो करेगा कि 10,000 विद्यार्थियों को जो नई सीटें जो है वो मिलने वाली है। तो ये थी आज की न्यूज BDS मेडिकल काउंसलिंग को लेकर, जिसमें 10,000 सीटों पर जो है 10% कट ऑफ जो है वो कम की गई है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने कट ऑफ बता दी है कैटेगरी वाइज भी, जनरल, OBC SC और ST के लिए। तो ये था आज का वीडियो और आज की महत्वपूर्ण न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।